दोस्तों मैंने आते ही हमारे खरगोश और जो मुर्गियाँ उनको मैंने दाना देना शुरू कर दिया है। तो सही बात, कल मोरनी के बच्चे की जो कि किस चीज़ के नीचे आकर दब गया था, तो आज उनको मैंने इलाज करके ठीक कर दिया। आप देख सकते हैं ये दीवार के और बैठा है, जो कि कुछ तबीयत सही नहीं है उनकी। तो ये हमारा वाशा भी इनके साथ ही दो वाली मुर्गियाँ दोनों आज भी अंडे दोनों ने दिए दिए। तो ये हमारे खरगोश के छोटे बच्चे ये भी खा रहे हैं। तो हमारे बबलू भी अब बढ़ना शुरू हो चुके हैं। हमारे खरगोश भी आपको दिखाते हैं कि खरगोश, पता नहीं यार ये खरगोश जो मेल थी ना, उनको पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि ये बच्चे देने के बहुत करीब हो चुकी हैं। हमारी बब्बी बैठाई थी, इंशाल्लाह आज सातवां दिन है। कुछ दिनों के बाद ये भी बच्चा देना शुरू, ये खरगोश ने खुद खोलना शुरू कर दिए। तो हमारे सारे के सारे जो ना खाना शुरू करे, खरगोशों के लिए मैंने जैसे ही घास लाया तो वो भी खा रहे हैं। तो वही बात यार, हमारे खरगोश जो मेल थी उनमें बच्चा देने के बहुत करीब है, तो इनको आज पता नहीं क्या हुआ, जो पानी ये तो आज बीमार थी। सुबह में इनको इलाज गोलियाँ वगैरह दे कर चले गए, तो बहुत इतना स्वास्थ्य थी, तो आज सही है। उनको मैं पकड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आज बहुत ठीक हो चुकी है, तो हमसे दूर चले गई। तो हमारे मोरनी के बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, उनकी तबीयत कल किस चीज़ के नीचे आए थे, आज सही है। बच्चे भी इंजॉय करते हुए, सूरज ना बिल्कुल गुरु हो चुका है। तो हमारे बादशाह जो ना वो बंद है, बादशाह को मैं निकालता हूँ तो हमला कर देता है, तो उसके लिए मैं बंद करता हूँ। ये हमारे दोनों खरगोश मेल और फीमेल, इनको भी मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि इसके अंदर ही नहीं खाना देता हूँ। और ये हमारे बात मिठू की, मिठू भी इंजॉय करते हुए, एरेस एरक भी इंजॉय करते हुए। कुछ दिनों के बाद मेल जो है अंडों पर मैंने बैठाई है, ये दो उनके अंडे इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद ये भी बच्चे देना शुरू कर देगी। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियो तक बासानी पहुंच सके। खुदा हाफिज़।